पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के दरमियान चार रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच डर्बीशायर में खेला जा रहा है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने अजहर अली को मुश्किल में डाल दिया। सरफराज अहमद के खिलाड़ियों ने अजहर अली को बिछाड़ दिया। चार रोज़ा मैच के पहले रोज ही टेस्ट कप्तान अजहर अली की टीम 113 रन पर ढेर हो गई। पहले बैटिंग करते हुए पीसीबी ग्रीन अपनी पहली इनिंग्स में 47.1 ओवर में सिर्फ 113 रन ही बना सकी। अजहर अली 11 की जानिब से शान मसूद 9, आबिद अली 1, बाबर आजम 32, असद शफीक 9, मोहम्मद रिजवान 18, शदाब खान 11, यासिर शाह 8, शाहीन अफरीदी 3, मोहम्मद अब्बास 4, नसीम शाह 2, जबकि कप्तान अजहर अली 6 रन के साथ नॉट आउट रहे। मुखालिफ टीम पीसीबी वाइट्स की क्यादत सरफराज अहमद कर रहे हैं। टीम वाइट की जानिब से सुहेल खान ने 5 विकेटें हासिल करके इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जगह पक्की कर ली है, जबकि फहीम अशरफ ने 2, इमरान खान और काशिफ बटी ने 1-1 का शिकार किया। पीसीबी वाइट्स की 113 रन के ताकुब में बैटिंग जारी है। बैटिंग का आगाज़ करते ही पीसीबी वाइट्स के ओपनर इमामुल हक बाएं हाथ पर गेंद लगने से ज़ख्मी हो गए। फास्ट बॉलर नसीम शाह की गेंद इमामुल हक के हाथ पर लगी। गेंद लगने के बाद इमामुल हक ग्राउंड से बाहर चले गए। पीसीबी का कहना है कि डॉक्टर के तफसीली मुआयने के बाद इमामुल हक की इंजरी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जारी कर दी जाएंगी।